दिए की रोशनी से हर अंधेरा दूर हो जाए, दिए की रोशनी से हर अंधेरा दूर हो जाए, ईश्वर करे आप जो चाहें आपकी हर खुशी पूरी हो जाए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में, मैं आर कुमार। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला, और यह प्रश्नोत्तर श्रृंखला सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। निसंदेह इसमें दिए गए हर एक प्रश्न किसी भी परीक्षा के लिए लक्ष्य भेदी बार सिद्ध होने वाले हैं, तो आप सभी लोग इत्मीनान से आराम से इस श्रृंखला का आनंद लीजिए और प्रश्नों को सॉल्व करिए और खुद को देखिए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए आइए आते हैं, रुख करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है, उसका उत्तर क्या है और उससे हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूं आज के पहले प्रश्न की, तो कह रहा है पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आवर बॉडी इज अ मेजर सोर्स ऑफ आवर फूड। कह रहा है ये कि हमारे शरीर के अलावा कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर के लिए भोजन का एक प्रमुख स्रोत होता है। सोचिएगा क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त हमारे शरीर के भोजन के लिए का एक प्रमुख घटक क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, हमारे शरीर के लिए जो ऊर्जा देने वाले भाग होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं यहां पर आप सभी से चर्चा करूं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट हमारी दैनिक ऊर्जा का 60 से लेकर 65% भाग होता है। यानी कि रोज जितनी हमें ऊर्जा मिलती है उसका 60-65% केवल कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो यहां प्रश्न ये पूछ रहा है, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त हमारे शरीर के लिए हमारे भोजन का महत्वपूर्ण अवयव क्या है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। तो यहां ध्यान से देखिए, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त जो अगला महत्वपूर्ण भाग होता है वसा का है, मतलब फैट का है, और फैट कितना 25 से लेकर 30% दैनिक ऊर्जा का भाग होता है, यह वसा का भाग है। और अगर मैं बात करूं आगे तो एक भाग और होता है महत्वपूर्ण, और वह प्रोटीन है। प्रोटीन कितना होता है, 5 से लेकर 10% हमारी दैनिक ऊर्जा का स्रोत होता है। तो आप समझ सकते हैं, अब यहां कार्बोहाइड्रेट के बाद आपका ऑप्शन क्या दोस्तों आपका आएगा, ये आएगा वसा। तो वसा कितना होता है, 25 से 30% भाग है। आपको और जानना होगा जो वसा होती है, देखो कार्बोहाइड्रेट का अगर 1 ग्राम अणु है इससे 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है, अगर वसा का 1 ग्राम अणु है 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलती है, अगर प्रोटीन का 1 ग्राम अणु है 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है इसके मॉलिक्यूल से। तो ये तो हम जानते हैं कि 1 ग्राम अणुओं से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो यहां पर विकल्प आपका बी वाला सही हुआ, लेकिन दोस्तों आपको जानना पड़ेगा जो प्रोटीन है यह क्या है। दोस्तों ये प्रोटीन जो होता है यह वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है, यह वृद्धि व विकास के लिए होता है, ग्रोथ और कंट्रोल के लिए होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, सेल्स का फॉर्मेशन करता है। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, नए अंगों के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोटीन। जब आप लोग जिम जाते हो तो क्या करते हो, प्रोटीन खाते हो, ताकि प्रोटीन खाने से मसल्स बने आपकी, समझ गए ना। और देखो वसा क्या दोस्तों, यह ऊर्जा उत्पादक पोषण है, लेकिन वसा से तुरंत ऊर्जा नहीं होती, तुरंत ऊर्जा नहीं मिलती। अब ये सोचो कि हम बिल्कुल एक ही दिन में 1 किलो घी खा ले और मोटे हो जाए, सुपरमैन बन जाए, ऐसा नहीं होगा, दिक्कत में पड़ जाओगे। दोस्तों आगे देखिए, खनिज और विटामिन है, इनको हम नाम देते हैं उपापचयी नियंत्रक। उपापचयी नियंत्रक इसका मतलब ये होता है, ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, हमारे शरीर की सारी जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं उपापचयी क्रिया। और विटामिन को वैसे भी हम नाम देते हैं कि प्रतिरक्षी आहार, तो विटामिन जो होता है वो प्रतिरक्षी आहार है, हमारी शरीर के डिफेंस को मजबूत करता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, हमें रोगों से प्रोटेक्ट करता है। ये कार्य किसका होता है, फंक्शन होता है विटामिन का। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, वसा इज द राइट आंसर, फैट सही उत्तर है। आइए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम प्रकाश,
मतलब आर्टिफिशियल लाइट क्या करेगी, क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, या फिर क्लोरोफिल का सिंथेसिस करता है, या फिर फोटोसिंथेसिस का कारण हो सकता है, या प्रकाश संश्लेषण कारण नहीं हो सकता है। दोस्तों देखिए, कृत्रिम प्रकाश, हमें पता है जो पौधे होते हैं उनमें भोजन निर्माण की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दोस्तों ये ऐसी क्रिया होगी, अगर मैं आपसे बात करूं फोटोसिंथेसिस की, तो ध्यान से देखिए आप लोग क्या होता है फोटोसिंथेसिस। मैं बहुत कम समय में, बहुत कम शब्दों में आपको यह सिखाऊंगा कि एक्चुअली में किसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस एन है ये सिंथेसिस। तो देखिए आप, तो ये होता क्या है, आइए हम इसकी बात करते हैं बहुत कम समय में। जैसे दोस्त कोई भी मान लीजिए पौधा है, कोई भी दोस्तों वृक्ष है, किसी भी पौधे, अरे पौधों को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, यह होते हैं स्वपोषी, मतलब ये होते हैं ऑटोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉफ हम किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना ले उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अब इस पौधे को भोजन निर्माण के लिए क्या चाहिए, सबसे पहली चीज जो आवश्यक है इसके लिए वह है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। अगर मान लीजिए सूर्य का प्रकाश ना होता तो शायद पौधे अपना भोजन ना बना पाते। आप क्वेश्चन के बारे में सोचते रहिए, देखिए सनलाइट जब मिलती है तो बहुत तेजी से पौधे का भोजन बनता है, अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया शुरू हो जाती है। इस पौधे की जो दोस्तों, पौधे को वायुमंडल से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख कच्चा पदार्थ होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। पौधे की जड़ें कहां होती हैं, ये मिट्टी के अंदर गहराई में होती हैं, और पौधों की जड़ों को जल यानी H2O व मिनरल दोस्तों, वह खनिज कहां से मिलता है, जड़ों के माध्यम से मिलता है, ये केशिकी जल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद देखिए जो पौधों की पत्तियां होती हैं, पौधों की पत्तियों में ऑलरेडी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, यह भी हम जानते हैं। पौधे की पत्तियों में दोस्तों क्या होता है, इसमें होता है क्लोरोफिल, ये हम सबको पता है। इसमें होता है हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल के दो भाग होते हैं, यह भी आपको पता है, एक होता है ग्रेनम या ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा, एक होता है स्ट्रोमा, ग्रेना और स्ट्रोमा। अब देखिए होता क्या है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो पौधों को वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और सूर्य के प्रकाश से सूर्य मिल रहा है, पौधों की पत्तियों में ऑलरेडी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और जड़ों से उनको जल मिल रहा है। तो कहते हैं कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश मतलब सनलाइट, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल से क्रिया करके, जल से क्रिया करके 12H2O जल से क्रिया करके पौधों के भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, तथा जल और ऑक्सीजन को अप्रधान मात्रा में मुक्त करता है, तो इसी क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या जरूरी है भाई, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। जैसे क्या, जैसे कि शैवाल। ये ध्यान सुनना, जो ग्रेना दोस्तों होता है, ग्रेना भाग होता है ये प्रकाश की उपस्थिति में एक्टिव होता है और इसी में जल का ऑक्सीडेशन होता है जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन बनती है। ये स्ट्रोमा भाग है, ये प्रायः अंधकार में एक्टिव होता है दोस्तों, और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज बन जाता है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक है, बट कुछ पौधे ऐसे हैं जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो कहेंगे यह कारण हो सकता है किसके अंदर, एल्गी के अंदर, काई के अंदर, ये बात आप जानते रहिएगा। और लाल रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे तेज होती है और बैंगनी रंग में बहुत कम होती है। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम एलिमेंट होता है, ये भी आप जानते रहिएगा। और पौधे श्वसन क्रिया 24 घंटे करते हैं और भोजन का निर्माण पहली किरण के साथ बहुत तेजी से करते हैं, ये बात आप जानते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अपना दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, हमें बताना है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताइए पक्षियां, कंसिडर द फॉलोइंग, पक्षी, उड़ती हुई धूल, वर्षा और बहती हुई हवा, उपर्युक्त में से पादप रोग फैलाते हैं, यानी इनमें से कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे प्लांट डिजीज होता है,
पौधों का रोग होता है दोस्तों। अब यहां देखिए, अगर हम बात करें तो पौधों में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और जो भी बीमारियां होती हैं, हर एक डिजीज का कोई ना कोई कारण होता है, हर एक पैथोजन का कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे बिना कैरियर के कोई भी डिजीज पास नहीं आता है दोस्त। अगर मैं बात करूं रोग फैलाने की, तो रोग दो प्रकार का होता है, एक होता है इन्फेक्शियस और दोस्तों एक क्या होता है, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। तो डिजीज कई प्रकार दोस्तों होते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो अगर मैं बात करूं कि पौधों के रोग, देखिए जो पक्षियां होती हैं, वो कहीं कहीं भी रहती हैं, कहीं भी उड़ती हैं। मान लीजिए अगर कोई बीमारी किसी पौधे में है और पक्षी वहां बैठी है, तो उस बीमारी के पैथोजेंस उस पक्षी के अंदर चले आते हैं दोस्तों, और उस पक्षी का पौधों का रोग हो जाता है। और यही हाल धूल के कणों से भी होता है, तो धूल के कण भी जिम्मेदार होते हैं पौधों के रोगों में दोस्तों। आगे देखिए, वर्षा है, जाहिर सी बात है जहां पर अम्लीय वर्षा होगी, तो अम्लीय वर्षा के कारण पौधों में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं दोस्तों। आगे क्या है, बहती हुई हवा, तो बहती हुई हवा भी क्या करती है, पैथोजेंस लेकर के आती है जो कि रोग का कारण बन सकता है। तो ये चारों ऐसे कारण है जो रोगों का कारण बन सकते हैं किसी पौधे के अंदर, किसी प्लांट के अंदर। तो दिए हुए प्रश्न का सही विकल्प क्या हो रहा है, ये आपका यहां पर डी सही हो रहा दोस्तों। बाकी देखिए, बहुत से लोग ऐसा पूछता है, धान का खैरा रोग कैसे होता है, मूंगफली के का टिक्का रोग कैसे होता है, तना भेदक क्या है या फली भेदक क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं यहां इनके विषय में। नींबू का कैंकर रोग कैसे होता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कारण नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करें गुर्दे की, तो देखिए जो किडनी होती है दोस्तों, जो किडनी होती है, अगर इसकी हम लोग बात करी जाए, तो देखिए किडनियां दो होती है दोस्तों, किडनी दो होती है, और इसमें सिराएं और धमनियां प्रवेश करती हैं और सीधे किडनी में आती है दोस्तों। जो किडनी होती है हमारी, इसके कई सारे कार्य होते हैं दोस्त। यहां देखिए, जो किडनी हमारी होती है, इसके कई सारे कार्य होते हैं, तो आप जानते रहिएगा किडनी कितनी होती है, दो होती है। जनरली एक ही किडनी फंक्शन करती है, भले से इसमें दो किडनियां होती हैं, प्रायः एक ही किडनी कार्य करती है। जो किडनियां होती हैं, इनका वेट कितना होता है, दोनों का मिलाकर के 150 ग्राम के अप्रोक्स होता है, 150 ग्राम के आसपास होता है दोस्त। जो किडनी होती है, इसका कार्य क्या होता है, ब्लड के प्लाज्मा में, प्लाज्मा को छान करके उसमें उपस्थित यूरिया अमोनिया इत्यादि को बाहर कर देना। और ध्यान रखना आप सभी लोग, जो हमारी किडनी होती है, यह हल्के पीले रंग की होती है, इसके ऊपर पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है। और जानते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट CaC2O4, जो पथरी बनती है, कैल्शियम के क्रिस्टल के बढ़ जाने से जो पथरी बनती है, वह क्या है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती है, ये आपको पता है दोस्तों। और एक मिनट के भीतर जो हमारी किडनी होती है, 125 ml ब्लड को फिल्टर कर देती है, और जो हमारी किडनी होती है, इसकी इकाई क्या होती है, वह होती है नेफ्रॉन। क्या होती है दोस्तों, नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन ही ब्लड को छानता है, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस होता है, नेफ्रॉन के अंदर दोस्तों क्या होगा, इसके अंदर बोमन कैप्सूल होता है, हेनल्स लूप होता है, सब चीजें होती हैं। देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि जल में, रक्त में जल की मात्रा को मेंटेन करना, एकदम ये बिल्कुल कार्य होता है किडनी का। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यूरिया को छान करके बाहर करना, दोस्तों कहते हैं कि यह ब्लड के प्लाज्मा को छान करके उसमें उपस्थित यूरिया अमोनिया क्रिएटिनिन फास्फेट या फिर यूरिक अम्ल कैल्शियम, इन सबको बाहर करता है दोस्तों। कितना, 1.5 से लेकर के 1.8 लीटर यूरिन के साथ। और आप जानते रहिएगा दोस्तों, जो मूत्र होता है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 0.6 होगा। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम से होता है, आप जानते होंगे यूरोक्रोम का नाम, तो यूरोक्रोम से क्या होता है, मूत्र का पीला रंग होता है। ताजे मूत्र में गंध क्यों होती है, यह होती है यूरी नोड के कारण। और शौचालय में दोस्तों गंध क्यों होती है, वह होती है अमोनिया के कारण, इसको पता होगा दोस्तों। कई हार्मोनों का स्राव करना, जैसे कि इरिथ्रोपोएटिन एक ऐसा हार्मोन है, दोस्तों जो आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है, जो आरबीसी की संख्या को बढ़ाएगा, ठीक है। वह काम कहां से निकलता है, इरिथ्रोपोएटिन, तो निकलता है किडनी से। बट यहां देखिए, एक ऑप्शन आपका ऐसा है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करने के लिए, पैंक्रियास से निकलने वाला
पैंक्रियाज की बीटा सेल से निकलने वाला एक ऐसा हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज की बढ़ती हुई मात्रा को कंट्रोल करता है, या ग्लूकोज की बढ़ती हुई मात्रा को ग्लाइकोजन में चेंज करके लीवर में भेज देता है। ठीक है, तो अगर अगर इंसुलिन कम होता है तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है और कहते हैं कि व्यक्ति को डायबिटीज शिकायत हो गई है। दोस्तों यहां देखिए, जो आपका बी वाला कार्य होता है, ये कार्य दोस्तों किडनी का नहीं होता, ये पैंक्रियास से निकलने वाले इंसुलिन का होता है। आगे, निम्न में से किस कोशिका द्रव्यी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दोस्तों यहां देख कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनेल्स आर कंसीडर्ड प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल। तो यहां देखिए, आपके सामने जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें पहला क्या है, सूत्रकणिका है, गाल्जी काय है, लाइसोसोम है और गाल्जी ऑक्सीसोम है। तो यहां देखिए विकल्प में चार विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कोई एक सही होगा दोस्तों, और सही क्या होगा आइए हम उसको देखने की कोशिश करें कि सही इसमें क्या होता है। ठीक, कि सही ऑप्शन इसमें क्या है। जैसे कि पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है सबसे पहले कोलिकर ने की थी। कोलिकर ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, और इसके बाद दोस्तों इसका इसको अल्टमैन साहब ने बायोब्लास्ट कहा था, अल्टमैन इसको बायोब्लास्ट कहा था, और सी बेंडा ने इसका नाम दिया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा भाग होती है जो सेल्स में होती है, और पता होगा आप सभी को कि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है ऑक्सीकरण, क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसी माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, जिसके बाद एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, और ध्यान रहे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, सब चीजें होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल नाम देते हैं, इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये प्रोटीन इसमें होता है, प्रोटीन के अतिरिक्त इसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें फास्फोलिपिड भी पाया जाता है, इसमें डीएनए होता है, इसमें आरएनए होता है। दोस्तों यहां देखिए यह क्या होती है दोस्त, यह ऐसा कोशिकांग है, इसी कोशिकांग को हम नाम देते हैं कि यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसको माना जाता है। ठीक है, और यहां देखेंगे दिया हुआ गाल्जी का है, तो गाल्जी बॉडी एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है, इसकी खोज किया था कैमिलो गाल्जी साहब ने, और यह दोस्तों क्या करता है, कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करता है, सभी कोशिकांगों को मैनेज करता है, तो इसको हम कोशिका का सचिव कहते हैं। और साथ ही साथ देखिए, यह कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है, इसको हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। देखिए यहां लाइसोसोम दिया गया है, पावर हाउस ऑफ द दोस्तों, पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। यहां दिया गया लाइसोसोम, इसके अंदर कुछ जल अपघटनीय अम्लीय एंजाइम होते हैं, जल अपघटनीय हाइड्रोलाइटिक एसिडिक एंजाइम होते हैं, जो कोशिका में उपस्थित जो अनावश्यक और बेकार पदार्थ होते हैं उनका पाचन करते हैं दोस्तों। और देखिए इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि यह पाचन की थैली है, लेकिन कभी कभार यह खुद को नष्ट कर लेती है, इसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो यहां देखिए आपका सही उत्तर आपका रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे, त्वचा पर बाल होते हैं, त्वचा पर बाल होते हैं क्या, हेयर ऑन द स्किन, मूलतः अधिचर्मी होते हैं और ये मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, मूलतः अधिचर्मी होते हैं और जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं, मूलतः चर्मी होते हैं और जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं, मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दोस्तों हम बालों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा की। दोस्तों त्वचा जो होता है ना, वो सबसे बड़ा अंग होता है मानव के शरीर का। आपको पता है कि जो इसका अध्ययन होता है उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या है, त्वचा का अध्ययन है, ये आपको पता होगा। इसकी तीन लेयर होती है, सबसे पहले दोस्तों क्या होगी, एपिडर्मिस दोस्तों, फिर क्या होगी डर्मिस दोस्तों, फिर क्या होती है एंडोडर्मिस। तो सबसे बाहर जो स्किन है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, सबसे बाहरी होती है। और त्वचा में लगभग 25,000 के आसपास स्वीट ग्लैंड होती हैं, महीन महीन पोर होते हैं जहां से पसीने का स्राव होता है। पसीने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रहता है, ये आपको पता है, और हानिकारक मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर जो बाल होंगे, बाल
दोस्तों बाल कैसे बनते हैं, तो आपको पता है बाल बनते हैं अल्फा केराटिन प्रोटीन के। बाल, नाखून, सींग और खुर, ये सब अल्फा केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। दोस्तों जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारी स्किन दोस्तों है वह तो अधिचर्म की होती है, लेकिन जो बाल होते दोस्तों उसमें हम कहेंगे ये चर्मी होते हैं और डेड सेल के बने होते हैं। नाखून भी दोस्तों यहां पर कहेंगे हम लोग कि डी वाला विकल्प सही है। ठीक, डी वाला आंसर सही है। आगे अमोनिया, एक अमोनिया का एक गुण कौन सा है दोस्त, अमोनिया का एक गुण कौन सा है पूछ रहा है आप सभी से। देखिए ध्यान से आप लोग, अमोनिया हम जानते हैं NH4 एक NH3 एक प्रकार की विषैली गैस है। ठीक दोस्तों, एक प्रकार की विषैली गैस है, प्रायः यह जो है इतनी विषैली होती है कि किसी भी जीव को तुरंत खत्म कर सकती है। जो जलीय जीव होते हैं, एक्वाटिक एनिमल होते हैं, वो अपने उत्सर्जन में अमोनिया को ही बाहर निकालते हैं दोस्तों। अब कह रहा है कि अमोनिया के विषय में, यह जल में अविलेय है, जल में नहीं मिलती है, यह गंध रहित है, यह पीत गैस है और इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है, लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह कह रहा है दोस्तों। देखिए सबसे पहली बात, यह जल में अविलेय है, यह गलत दोस्तों है। ठीक है ना, चूंकि यह अमोनिया है और जल में घुल जाती है और जल में घुल करके अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती है, तो अगर हम ये कहें कि अमोनिया जल में अविलेय है तो ये गलत चीज है। ठीक है, प्रमुख जल प्रदूषक के रूप में अमोनिया को हम दिखा सकते हैं। यह गंध रहित है, सबसे दोस्तों क्या होता है, जो अमोनिया होती है उसमें तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होती है, एकदम सड़े अंडे जैसी गंध उत्पन्न होती है, एक अलग प्रकार की गंध होती है, तो यह गंध रहित कहना भी कहीं ना कहीं बेनामी हो जाएगा दोस्तों। आगे यह पीत गैस है, दोस्तों बिल्कुल नहीं, यह पीत गैस बिल्कुल नहीं होती है। ठीक, इसके जलीय विलयन में, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस दिला जाता है, ये तो सही है, इसका यही ऑप्शन सही है। इसके अंदर क्षार वाले गुण होते हैं दोस्तों, क्या होता है यह अगर इसका जलीय विलयन है तो उसमें लाल लिटमस क्या होगा, नीला हो जाएगा, इसका डी विकल्प आपके लिए कंफर्म सही होगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सब्सटेंस यूज्ड एज बोथ मॉडरेटर एंड रेफ्रिजरेंट्स इन न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक, विमंदक और प्रशीतक, विमंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, साधारण द्रव का, भारी पानी का, लिक्विड अमोनिया का, लिक्विड हाइड्रोजन का। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ये क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं नाभिकीय भट्ठी। दोस्तों इसकी खोज सबसे पहले एनरिको फर्मी ने की थी, किसने की थी, एनरिको फर्मी ने, और एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं या प्राप्त हुई ऊर्जा का उपयोग करते हैं। दोस्त इसमें क्या होता है, इस क्रिया में नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पूरी होती है, ध्यान रखना इसमें, नाभिकीय विखंडन की, नाभिकीय विखंडन की, नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इस बात को आप ध्यान देना, क्या कहते हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पूरी होती है। ठीक है, और इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं दोस्तों, इस अभिक्रिया में एक किसी भी परमाणु के भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी होती, जिससे वो भारी नाभिक क्या होता है, दो अलग अलग भाग में टूट जाता है और उससे तीन न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। मुक्त हुए तीन न्यूट्रॉन में से दोस्तों पहले क्या होता है, तीन न्यूट्रॉन मुक्त हुए, इनमें से दोस्तों क्या करते हैं, इनमें से हम दो को रोक लेते हैं और एक को छोड़ते हैं, फिर इससे तीन बनता है दोस्तों, फिर क्या करते हैं, फिर दो को रोकते हैं, एक को छोड़ते हैं, फिर तीन बनता है, तो इसको हम कहते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो दोस्तों इस अभिक्रिया में विमंदक के रूप में भी और कह रहा है प्रशीतक के रूप में भी किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, यहां हम कहेंगे भारी पानी सही ऑप्शन दोस्तों, क्या है, भारी पानी का सही ऑप्शन है। नियंत्रक के रूप में, कंट्रोलर के रूप में क्या होता है, बोरान और कैडमियम की छड़ होती है, कैडमियम और बोरान की राड होती है दोस्तों, ठीक है ना, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए तो यहां आपका बी आंसर सही है, भारी जल होता है D2O। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है, कौन सा एलॉय नहीं है, तो स्टील है, पीतल है, ब्रॉन्ज है और तांबा है, कौन सा मिश्र धातु नहीं है, तो ध्यान देना एक ट्रिक है इसकी, जल्दी से मैं लिख रहा हूं यहां पर आपके लिए दोस्तों, तो ट्रिक क्या है आप ध्यान से देखिए, डच, मुटज, पीतल,
पीतल जीता, जीता जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर को जितानी है, को जितानी है, जितानी है। कांसा टीता, कांसा टीता स्टील लोका, स्टील लोका। टाका से सीटी बजवानी है, सीटी बजवानी है, बजवानी है। देखते हैं इसका यहां तक आता ही नहीं आता दोस्तों, कह रहा हां। और देखिए आगे क्या है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील लो करनी, लो करनी। तो ड्यूरालमीन को लो करनी, तो ड्यूरालमीन को, ड्यूरालमीन को अलकु मग्न बुलवानी है, बुलवानी है। तो ध्यान से आप देखिए, अभी इसमें ट्रिक लंबी भी है लेकिन इसको इतना मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखो डच है, डच मेटल होता है, डच है, मूर्ज है और पीतल है दोस्तों। ये तीनों क्या, तीनों अलग अलग एलॉय हैं। डच मेटल बोलते हैं, मूर्ज बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। तो डच है, मूर्ज है और पीतल है, इसमें जीता मतलब जिंक और तांबा होता है। इन तीनों में क्या होता है, अलग अलग अनुपात में जिंक और तांबा मिला हुआ होता है दोस्तों। डच, मूर्ज, पीतल, जीता, तो इनमें जिंक और तांबा होता है अलग अलग अनुपात में। कह रहा है जर्मन सिल्वर को जितानी है, जर्मन सिल्वर कैसे बनता है, जितानी जिंक तांबा निकिल से बनता है, जितानी है जिंक तांबा निकिल से बनता है। कांसा टीता, टी टिन ता ताबा, टीता टिन और ताबा, जो कांसा बनता है दोस्तों कैसे बनता है, ये बनता है टिन और ताबा से। स्टील लोका, स्टील कैसे बनता है, लोहा और कार्बन से, क्या बनता है, स्टील बनता है, लोका लोहा कार्बन। टाका से सीटी बजवानी, सीसी मतलब सीसा और टिन, सीटी बजवानी, सीसा और टिन सीटी बजवानी है। स्टेनलेस स्टील लो करनी, लो करनी का मतलब होता है लोहा क्रोमियम निकिल, लोहा कर से क्रोमियम और नी से निकिल। तो ड्यूरालमीन को एल्कुमग्न, एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीज बुलवानी है। ठीक है दोस्तों, आगे ये ट्रिक और भी है, बट ध्यान देना आप सभी लोग। देखिए स्टील भी इसमें आ गया है, पीतल भी आ गया है, ब्रॉन्ज भी आ गया है, बट तांबा इसमें नहीं आया दोस्तों। तांबा एक प्रकार की धातु है, ना कि यह मिश्र धातु है। तो विकल्प देखिए कैसे हुआ, यहां पर आपका डी वाला सही होगा। आगे देखिए फटाफट, दिया सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाते हैं, ना कि अम्ल में पानी। आप सबको पता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो होता है इसको बोलते हैं गंधक का अम्ल, इसको हम गंधक का अम्ल बोल देते हैं। तो देखिए कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए मतलब इसको डायल्यूट करने के लिए अम्ल मिलाते हैं, ना कि अम्ल में पानी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है दोस्तों। एसिड इज एडेड टू वाटर टू डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नॉट वाटर टू एसिड। ठीक है दोस्तों, कह रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। अब इसमें कथन देखिए क्या दोस्तों, कूट दिया है कि ए आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही दोस्तों, किंतु किंतु यहां पर आर ए की व्याख्या नहीं करता दोस्त। ठीक है ना, और देखिए ए सही है परंतु आर गलत है और ए गलत परंतु आर सही है दोस्त। इसमें देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम कहते हैं गंधक का अम्ल और इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड दोस्तों, इसको हम अम्लों का राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, किंग ऑफ एसिड कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। और ध्यान रखना एक होता है अम्ल राज, एक बार रेजिया वो दूसरा होता है। ठीक है ना, 3HCl+HNO3 होता है वो दूसरा है, ये किंग ऑफ एसिड है, गंधक का अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर क्या है, जाहिर सी बात है अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाएंगे दोस्तों तो हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या होता है हम पानी अधिक लेंगे और उस पानी में दोस्तों क्या मिलाएंगे, पानी में अम्ल डालेंगे। ठीक है ना, पानी दोस्तों जो पानी होगा उस पानी में मिलाएंगे एसिड डालेंगे, एसिड। क्लियर है दोस्तों, अब क्या होता है, कह रहा है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। अब यहां देखिए दोनों सही है लेकिन दोनों में कोई स्पष्टीकरण मिल रहा है, नहीं मिल रहा दोस्तों।
दोनों में हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है, तो कहेंगे ए आर दोनों सही है परंतु कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। और देखिए जो पानी है ना, इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होती है दोस्तों, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा पानी की। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, गलत बोल रहा है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्ड अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कहते हैं CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के विषय में कौन सा कथन दोस्तों क्या है, वह फॉल्स अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका दोस्तों नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में, ऑक्सीक्लोराइड के बारे में कौन सा कथन क्या है रॉन्ग है दोस्त, कह रहा है कि जल में अधिक विलेय है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, प्रबल ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन का निष्कासित कर देते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों यहां देखिए इसमें एक कथन रॉन्ग जो है वो क्या है, वह है आपका विकल्प सी, यह ऑक्सीकारक नहीं, प्रबल ऑक्सीकारक या नहीं होती है, ध्यान देना। अदरवाइज इसका इस्तेमाल कहां होता है, तो वह जीवाणुनाशक होती है, जीवाणु को नष्ट करने में दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। यहां पर आपका सी विकल्प सही है। आगे निम्न से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। देखिए रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की अवस्था बदलने के साथ साथ उसका गुणधर्म भी बदल जाता है और पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस लौट नहीं पाता, इसी को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होगा जिसमें पदार्थ की अवस्था बदलेगी, गुणधर्म भी बदल सकता है लेकिन पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस चला आता है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां हम कहेंगे कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बढ़ जाना, ये तो हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना। दोस्तों यहां देखिए पहला भी तीसरा भी और चौथा, यानी ए और सी और डी, ये तीनों क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि प्रकाश को वापस हम चेंज कर सकते हैं और सनी हुई मिट्टी को वापस हम सान करके गीला कर सकते हैं और नमक का पानी, नमक और पानी दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो यहां कहेंगे दोस्तों सब्जियों को पकाने के बाद, अब जरा सोचो आपने सब्जी लाई हुई है और सब्जी पका लिया और आप नहीं खाओगे बाद में खाओगे, अब ये सोचोगे कि अरे इस सब्जी को हम बाद में खाएंगे, लाओ एक काम करते हैं इसको वापस हम हरी सब्जी में कन्वर्ट कर दे, तो बनी हुई सब्जी में नमक मसाला तेल मिर्चा सब कुछ मिला हुआ है उसको वापस हरी सब्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। यहां दोस्तों कहेंगे आपका जो बी आंसर है ये करेक्ट आंसर है। आगे किसी तत्व के रासायनिक गुण को कौन तय करता है दोस्त, यहां देख लीजिए बहुत बढ़िया, किसी तत्व के रासायनिक गुण को कौन तय करता है, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर इनमें से सभी। दोस्तों अगर हम बात करें किसी तत्व के गुण को, देखिए तत्व चालक होगा कि अचालक होगा, है ना, उसमें आवेश होगा कि आवेश नहीं होगा दोस्तों, या फिर कहेंगे कि कोई भी उसका मतलब व्यास बड़ा है छोटा होगा, सब चीजें इनमें से जो गुण होते हैं उनको व्हाट डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो यहां देखिए प्रोटॉनों की संख्या दोस्तों, देखिए प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या, इसमें दोस्तों हम क्या बोलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या, यहां दोस्तों डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही डिपेंड करती है कि पदार्थ का गुण क्या होने वाला है, पदार्थ का गुण कैसे बदलने वाला है दोस्तों, यह कौन तय करता है, यह तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यह डिपेंड करता है। हालांकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर दोस्तों क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या, यह हमें पता है और जानते हैं। देखिए यह एक बात और दोस्तों यहां पर है, एक बात वो क्या है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं दोस्त,
इसी को हम कहते हैं यहां पर देखिए आपने पढ़ा होगा परमाणु क्रमांक कहते हैं। यहां लेकिन पूछ रहा है कैरेक्टर के बारे में, तो आपका यहां पर सी आंसर सही है। आगे पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, मतलब अगर कहीं पर भी वाटर इज नॉट इफेक्टिव इन द एक्सटिंग्विशिंग ए फायर कास्ट बाय पेट्रोल, बिकॉज देखो जहां पर पेट्रोल से आग लगती है तो वहां पर अगर हम आग को पानी से बुझाएंगे तो जो पानी होता है वो कारगर नहीं होता है। ऐसा क्यों पूछ रहा है, ऐसा क्यों, अगर क्यों पानी जरूरी नहीं है? दोस्तों हम जानते हैं जो पानी होगा, देखिए H2O जो पानी होता है, इसका ऑप्शन देखिए, ज्वारा इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता, जल एवं पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, जल एवं पेट्रोल एक दूसरे के में मिश्रणीय होते हैं, जल एवं पेट्रोल अमिश्रणीय है, अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जल जलता रहता है। दोस्तों यहां पर देखिए डी ऑप्शन सही है, बता दूं मैं आप सभी को, जहां पर पेट्रोल से आग लगती है जब हम पानी डालते हैं उस आग को बुझाने के लिए, तो वहां होता यह है जो पानी होता है दोस्त, जो पानी होता है उस पानी का पिस्तनाव अधिक होने के कारण पेट्रोल पानी के ऊपर चला आता है, और जब पेट्रोल पानी के ऊपर चला आएगा तो पानी पहुंच गया नीचे और पेट्रोल है ऊपर, तो पेट्रोल ऊपर आकर के जल जाएगा और पानी उसको बुझा नहीं पाता। एग्जैक्टली ये आंसर आपका सही होगा। आगे कहेंगे तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं कैसे, नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से और नाभिकीय विखंडन से। दोस्तों तारे देखिए, हम कहते हैं कि तारे, सूर्य और तारों की जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय संलयन होता है ना कि विखंडन, तो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन दोस्तों होता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा कहते हैं कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण कर लें तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, और नाभिकीय संलयन तारों की ऊर्जा का स्रोत है। और दिया है गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से। दोस्तों इसमें देखिए क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या होता है, देखिए ये तो रासायनिक अभिक्रिया होती ही होती है तो हम जानते हैं दोस्त, लेकिन देखिए जो इसमें दो मुख्य कारण होते हैं वो आप क्या कहेंगे, एक नाभिकीय संलयन। दोस्तों नाभिकीय संलयन क्या होता है, इस क्रिया से दो हल्के नाभिक मिल जाते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण कर देते हैं। और गुरुत्वीय संकुचन, गुरुत्वीय संकुचन के द्वारा क्या होता है, वह जो नाभिक होता है वह आकर के एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाता है। यहां आप कहोगे एक और दो आंसर एकदम करेक्ट हैं, बाकी नाभिकीय विखंडन भी तो रासायनिक अभिक्रिया में ही आता है। ठीक है आगे देखिए, दिया कि CFL और LED लैंप में क्या अंतर है, CFL और यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप और LED लाइट एमिटिंग डायोड में क्या अंतर है, यह प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है जबकि LED अर्धचालकों का प्रयोग करता है। दोस्तों यह तो सही है, CFL की औसत जीवन अवधि LED से बहुत अधिक, दोस्तों यह रॉन्ग है, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा क्षय करता, यह भी रॉन्ग है, तो केवल एक सही। आप जानते हैं जो LED होती है उसकी जो जीवन जो उसका जीवन काल होता है वह CFL से बहुत अधिक होता है, और जो LED होता है दोस्त, जो LED होता है, LED अपनी कुल विद्युत ऊर्जा का 90% प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है जबकि CFL केवल 60% ही कर पाता है। केवल पहला आंसर सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। आगे, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं, मैग्निफाइड एंड द वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूज टू ऑब्टेन, किसका इस्तेमाल करेंगे, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या फिर उत्तल दर्पण का, या अवतल लेंस का। दोस्तों यहां पूछ रहा है वर्चुअल पूछ रहा है, तो ध्यान देना वर्चुअल इमेज किस पर बनेगा इन सब में से दोस्तों, यह बनेगा अवतल दर्पण पर, वर्चुअल और मैग्निफाइड दोस्तों आवर्धित, इसके लिए क्या होता है, अवतल दर्पण सही होता है। दोस्तों इस पर क्या बनता है, इस पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, आभासी और सीधा बनता है दोस्त। और ध्यान देना इसका जो इस्तेमाल है कई जगह पर होता है,
इसका जो प्रयोग दोस्तों कई जगह पर होता है, जैसे कि गाड़ियों की हेडलाइट में होता है, सर्च लाइट में होता है, जैसे कि आंख कान नाक के डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जैसा कि सौर कुकर होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कई जगह पर होता है। अब यहां पर आपका ए आंसर दोस्तों, यहां पर आपका बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, इसको हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। दोस्तों आज देखिए कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से बहुत सारी हानिकारक बीमारियां हो जा रही हैं, जिनका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आदिकाल में देखिए हम लोग जैविक खेती करते थे तो बीमारियां बहुत कम थी। जैविक खेती का मतलब होता है हरी खाद का प्रयोग करना, कंपोस्ट का प्रयोग करना, इन सब का प्रयोग करते थे दोस्तों। इन सबसे क्या होता है, इन सबसे हमें हमें कम बीमारियां होती थी या फिर एकदम नहीं होती थी। आज फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में अंधाधुंध खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल जैविक खाद के रूप में होता है, जैसे कि दोस्तों कहेंगे एजोला, अल्फाल्फा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तीनों ऐसे कारक होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कहा करते हैं जैविक खाद के रूप में करते हैं दोस्तों, विशेषकर धान के खेत में। तो आपका डी आंसर सही है, एक दो और तीन। नाइट्रोलिन एक प्रकार का केमिकल्स होता है। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है, पाचन तंत्र भोजन की गति अनैच्छिक गति होती है दोस्तों। जाहिर सी बात है पाचन क्रिया में पैरास्टाल्सिस होता है, पैरास्टाल्सिस जिसको हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन। तो पैरास्टाल्सिस मोशन हमेशा क्या होता है, एक इनवॉलंटरी एक्शन है। आप चाहो कि भोजन आप खा लो और ना पचे, पॉसिबल नहीं दोस्तों। कह रहा है कि हृदय स्पंदन का नियंत्रण हमारी इच्छा के अधीन है। अच्छा बताओ क्या आप अपनी हृदय गति को रोक सकते हो, ट्राई कर लो, क्या आप अपनी हृदय गति को रोक सकते हैं? आप चाहोगे भी तो भी नहीं रोक पाओगे अपनी हृदय गति को, वो जहां पर है बिल्कुल वैसे ही स्टेबल है, वो अपना कार्य करता रहता है, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रिया के अधीन होता रहता है दोस्तों, ठीक है ना। मस्तिष्क का बायां भाग भाषा से संबंधित है दोस्तों। हम जानते हैं ब्रेन के दो भाग है, लेफ्ट एंड राइट। कार्पस कोलेसम से अलग होता है, बीच में होता है कार्पस कोलेसम, राइट और लेफ्ट पार्ट दोनों अलग अलग होते हैं। जो हमारा दाहिना भाग होता है दोस्तों वो बॉडी के बाएं भाग को, और जो बायां भाग होता है बॉडी के दाहिने भाग को कंट्रोल करता है। यदि ब्रेन के दाहिने भाग में कहीं कोई समस्या है तो बायां भाग बॉडी का पैरालाइज्ड हो जाता है, और अगर ब्रेन के बाएं भाग में कोई प्रॉब्लम है तो दाहिना भाग दोस्तों क्या होता है, पैरालाइज होता है। यहां जो हमारा ब्रेन का बायां भाग दोस्तों होता है वह भाषा संबंधित होता, बिल्कुल सही है। मस्तिष्क का दायां भाग संगीत के रसास्वादन से संबंधित है दोस्तों। यहां पर कहेंगे एक, तीन और चार, कोई है सही इसमें? हाँ, एक, तीन और चार ये सही दोस्तों, यानी आपका ए वाला विकल्प सही है, बाकी और विकल्प गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब हम उत्तेजित होते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब हम उत्तेजित होते हैं, डर जाते हैं, चिल्लाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो इन सबसे हमारी हार्ट बीट जो कि 72 होती है, एक मिनट में 72 बीट होती है, वह बढ़कर के 80, 90, 100 के ऊपर पहुंच जाती है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? व्हेन आर द एक्साइटेड आवर हार्ट बीट इंक्रीज्ड, बिकॉज वेगस नर्व से एस्ट्रोकोलिन मुक्त होता है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, या सिंपथेटिक तंतु से नार एड्रेनलिन हृदय में मुक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर इसको मैं देखूं तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होना चाहिए हमारा है सी वाला दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में जो तीसरा भाग होता है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दोस्तों, ये ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे शरीर में स्वायत्त, मतलब ये स्वतंत्र कार्य करता है, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। यह दोस्तों क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है। इसका एक भाग है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो कि एंड्रेनलिन और नॉर एंड्रेनलिन को कंट्रोल करता है। दोस्तों क्या होगा, जब हम उत्तेजित होते हैं ना तो हमारे हार्ट के पास, हमारे दोस्तों हार्ट में नॉर एंड्रेनलिन मुक्त करता है, कौन, अनुकंपी तंतु से नॉर एंड्रेनलिन मुक्त होता है, जिससे कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए बहुत उपयोगी होगी।
इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो चीजें नोट करने के लायक उसको नोट करिएगा दोस्त। बाकी हम मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई श्रृंखला के साथ, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। आज इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।